मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सदिश या सदिश विश्लेषण भी बोल सकते हैं, वेक्टर एनालिसिस। तो आप लोगों ने 11th क्लास पे फिजिक्स में यह चैप्टर जरूर पढ़ा होगा सदिश के बारे में। तो चूंकि दोनों थोड़ा मिलता जुलता है, जहां भी सदिश का बारी आता है वहां एक शब्द अदिश जरूर आता है। तो वहां पर आपने सदिश और अदिश राशि के बारे में पढ़ा और कुछ मैथमेटिकल टर्म भी पढ़ा था। तो यहां भी हम लोग सदिश विश्लेषण में हम लोग सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ सदिश का विश्लेषण करेंगे। दो सदिशों का योग कैसे निकलता है, अंतर कैसे निकलता है, दो सदिशों का सदिश गुणन कैसे प्राप्त होता है, अदिश गुणन कैसे प्राप्त होता है, दो सदिशों के बीच एंगल कैसे प्राप्त होता है, यदि कोई त्रिभुज सदिश से निर्माण हुआ है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में, साथ ही साथ कोई सदिश संरेख है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के कौन कौन से प्रकार हैं उस पर डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे। ट्रिंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, यानी योग त्रिभुज का सदिश योग नियम और चतुर्भुज का भी सदिश योग नियम जो है वो कैसे निकालेंगे उस पर वर्क करेंगे हम लोग। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, योग और अंतर कैसे निकालना है दो सदिश का। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो कैसे निकालेंगे वेक्टर्स का। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, साथ ही साथ कुछ अन्य चीज जो बच जाएंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो भौतिक राशियां, जिन राशियों को मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को भी माप सकते हैं उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई फुटबॉल है, उसका वेट आप माप सकते हैं, किलोग्राम में बोल सकते हैं, तो उसको माप सकते हैं। तो वह माप, जिसको भी हम लोग माप सकते हैं वह एक भौतिक राशि हो गया, तो किलोग्राम भौतिक राशि हो गया। उसी तरह से यदि हम इस पे बल लगाते हैं, बल लगा करके खोलते हैं इस दिशा में, तो हम लोग बोल सकते हैं इस पे 2 न्यूटन बल लगा, 1 न्यूटन बल लगा। तो यहाँ पर बल लग रहा है तो इस बल की मात्रा को हम माप सकते हैं। आप यदि कोई सामान लाने गए हैं तो 2 किलो सामान खरीदे, 3 किलो सामान खरीदे, तो सामान की मात्रा को माप सकते हैं। साथ ही साथ आप मान लिया जाए घर से यहाँ कोचिंग तक पढ़ने आए हैं, 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा, तो आखिर कुछ न कुछ समय हुआ, तो इसको भी माप सकते हैं। तो ये सारा राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं वो सारा राशि भौतिक राशि कहलाता है। अब मापने का भी 2 तरीका होता है। एक में मापने के लिए केवल दिशा की जरूरत पड़ती है, दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ एक में केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, उससे दिशा का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम बोलते हैं 1 किलो सोना, तो 1 किलोग्राम लिए या 10 किलो 10 किलो चीनी, तो ये जो मात्रा हुआ 10 किलो चीनी, यानी ये पूर्ण हो गया। लेकिन मान लिया जाए हम बोलते हैं कि कोई आदमी जो है वह किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाता है, तो वहां पर बल लगाने का मतलब आपको यह निर्देश बताना पड़ेगा कि वह जो बल लगा है वो किस दिशा में लगा है, किस दिशा में लगा है। तो यहाँ पर बल और बल के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। तो एक में केवल परिमाण और एक में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो जिसमें परिमाण की जरूरत हो वह अदिश राशि होती है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है वह एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि जैसे विस्थापन और दूरी,
तो विस्थापन और दूरी का बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। इसको आप ऐसे चित्र में समझिए कि मान लिया जाए को आदमी जो है यहां से चलना स्टार्ट किया, यह आदमी जो है यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले जो है वह इस तरफ यहां आया, 5 मीटर चलाया, 5 किलोमीटर, फिर यहां से ऊपर के तरफ गया 3 किलोमीटर, फिर चला, फिर यहां से यहां तक चला, फिर 5 किलोमीटर चला, फिर यहां से यहां तक पहुंच गया, फिर 3 किलोमीटर चला। अब हम आपको बोलेंगे कि आदमी टोटल कितना चला, तो आप चला तो बोलिएगा 5 × 3 = 8, 5 × 13 = 16। यह आदमी टोटल कितना चला, यह आदमी टोटल 16 किलोमीटर चला। तो यह टोटल दूरी जो तय हुआ, टोटल जो जितना चला वो उसके लिए दूरी कहलाया। इसमें आप देखो, एक बार इस दिशा में गया, एक बार इस दिशा में, एक बार इधर, एक बार इधर, तो दिशा से कोई मतलब यहाँ पर रहा ही नहीं। टोटल 5 × 3 = 8, 5 × 13 = 16 किलोमीटर वो दूरी तय किया। अब वही बोलेंगे कि वह अपने स्थान से कितना विस्थापित हुआ, तो विस्थापित तो कुछ भी नहीं हुआ, विस्थापन हो गया कितना, शून्य, क्योंकि यहां से चला था और यहीं पहुंच गया, तो ये विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। इसीलिए शून्य हुआ क्योंकि इसमें जो है यदि टोटल डिस्टेंस का बात किया जाए तो टोटल निश्चित तौर पर 16 किलोमीटर ही चला है, लेकिन विस्थापन में दिशा का प्रयोग होता है, पहले इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला। विस्थापन हुआ प्रारंभिक स्थिति से, उसका वर्तमान पोजीशन क्या है, तो प्रारंभिक भी यहीं से था और वर्तमान भी यही है, दोनों यही है, तो विस्थापित कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए विस्थापन जो है वह एक सदिश राशि है और जबकि दूरी एक अदिश राशि। जैसे बोलेंगे वह 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर किधरों हो सकता है, पूरा वो पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, किधरों हो सकता है, तो 2 किलोमीटर जो है वह एक सदिश अदिश राशि हुआ। लेकिन वही यदि बोलेंगे 2 किलोमीटर उत्तर चला, तो उसमें एक दिशा उसके साथ इंक्लूड हो गया, तो वहां पर 2 किलोमीटर जो है वह एक विस्थापन को दर्शाया। ठीक है, तो दिशा और परिमाण दोनों रहे तो सदिश राशि और केवल परिमाण रहे तो वह अदिश राशि। ठीक है, चलिए डेफिनेशन है अदिश राशि का। जो भौतिक राशि है दो प्रकार का, अदिश राशि जिसको अदिश बोलते हैं, फिर सदिश राशि जिसको सदिश भी बोलते हैं। तो अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि या अदिश कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, आयतन, घनत्व, तापमान, चाल, कार्य, आवेश, ये जितने भी हैं, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, ये सारे एक सदिश राशियां हैं। उसके बाद आते हैं, सॉरी, सारे एक अदिश राशियां, सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशियां या फिर सदिश कहा जाता है। तो सदिश में हो गया बल, वेग, त्वरण, विस्थापन, संवेग, आवेग, मंदन इत्यादि, ये सारे जितने भी राशियां हैं इसमें केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, बल्कि बल्कि भी अपना परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होगी। जैसे हम बोलते हैं कि राम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ आया, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि बोलेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा केवल एक चाल दिखाया। वही यदि बोलेंगे कि राम उत्तर के तरफ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, इसमें एक दिशा भी इंक्लूड कर दी है, तो जैसे ही दिशा इंक्लूड हो गया वह वेग, वह जो है वेग कहलाया, और वेग जो है एक सदिश राशि होती है। चाल क्या होता है, चाल चाल होता है किसी भी दिशा में इकाई समय में की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसलिए चाल एक सदिश राशि और वेग एक अदिश राशि, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, बस मैथमेटिक्स में यहाँ पर जो आपके कोर्स में है वह इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया गया था कुछ, इसीलिए हमने इस पर कुछ डिस्कस किया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दिष्ट रेखाखंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है, जनरल तौर पर यदि हम लोग वेक्टर नहीं पढ़े होते तो लाइन सेगमेंट मतलब होता है सिर्फ रेखाखंड। तो एक बड़े रेखा में यदि एक रेखा खींचे हैं, यहाँ पर दो बिंदु ले लिए तो ये हो गया बड़ा रेखा का एक छोटा हिस्सा, यानी रेखाखंड। ठीक है, तो यहाँ पर है दिष्ट रेखाखंड। तो दिष्ट रेखाखंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट यानी इसमें एक दिशा का प्रदर्शन होता है, इसमें एक दिशा का प्रदर्शन होता है। तो दिष्ट रेखाखंड एक तीर युक्त रेखाखंड है जो दिशा प्रदर्शित करता है। इसके सिरे के दो बिंदु प्रारंभिक यानी इनिशियल और अंतिम यानी टर्मिनल बिंदु कहलाते हैं। तो मतलब वही है, जो रेखाखंड है वही दिष्ट रेखाखंड है, बस इसमें तीर युक्त रेखा होता है जो दिखाता है कि रेखा का जो दिशा है वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ है। तो इसमें एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक अंतिम बिंदु होता है, ये दिष्ट रेखाखंड का निशानी है, प्रारंभिक और अंतिम, और एक उसमें तीर का निशान दिया हुआ रहेगा। जैसे ये देखिए P और Q दिए हैं, तो यह जो दिष्ट रेखाखंड है यह P से Q के तरफ है, P है प्रारंभिक, Q है अंतिम। इसमें यदि बात करेंगे तो ये जो है प्रारंभिक P नहीं है, प्रारंभिक Q है, क्योंकि Q से P के तरफ ये आ रहा है, देख रहे हो ना आप, Q से P के तरफ आ रहा है। तो ये Q इसका प्रारंभिक और P जो है उसका अंतिम बिंदु होगा। तो ये हो गया दिष्ट रेखाखंड। तो एक दिष्ट रेखाखंड जिसका प्रारंभिक बिंदु P और अंतिम बिंदु Q है, इसे वेक्टर PQ, इसको पढ़िएगा, ये जो PQ के ऊपर तीर का निशान है इसको पढ़िएगा वेक्टर PQ, क्या पढ़िएगा वेक्टर PQ। यदि ऐसे रहता A तो इसका मतलब हुआ वेक्टर A। तो इसको जो है PQ से निरूपित किया जाता है, PQ आपका ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी दिशा P से Q की ओर है, मतलब PQ का मतलब हो गया वेक्टर PQ का मतलब इसका जो दिशा है वो P से Q के तरफ है। दिष्ट रेखाखंड के दो सिरे, दिष्ट रेखाखंड के सिरे के दो बिंदु अपरिवर्तनशील होते हैं, अपरिवर्तनशील यानी उसको बदला नहीं जा सकता है, मतलब आपको यदि PQ है तो आप उसको QP नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि PQ अलग है और QP दोनों अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब दिष्ट रेखाखंड की विशेषताएं, इसका तीन विशेषता, एक लंबाई, एक आधार और एक अभिदिशा। तो दिष्ट रेखाखंड PQ की लंबाई को PQC, वेक्टर PQ की लंबाई जो है वह रेखाखंड PQ की ही लंबाई होती है। वेक्टर PQ का मतलब हो गया P से Q तक कितना लंबा है। ठीक है, तो दिष्ट रेखाखंड वेक्टर PQ की लंबाई को मॉड ऑफ PQ से निरूपित किया जाता है। ठीक है, मॉड ऑफ PQ। नेक्स्ट है आधार। आधार क्या होता है भाई, हम जहां पर खड़े हैं वह आधार हुआ, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं, आप मान लिया जाए कोई आदमी जो है यहां पर खड़ा है, तो खड़ा होने का मतलब हुआ क्या वह इतने को जगह पर खड़ा है या उसको सपोर्ट करने के लिए और भी कोई वहां तैयार है। इसको सपोर्ट करने के लिए इधर वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, केवल यही दो गो बिंदु तो नहीं है, उसके अलावा भी इसका और भी जिस पर यह स्थित है वो भी वहां पर शामिल है। तो इसका मतलब है आधार के लिए केवल वर्तमान पोजीशन ही नहीं बल्कि उसके आसपास का भी पोजीशन मायने रखता है। तो यहां पर जो है आधार शब्द यूज हुआ है, तो आधार शब्द यूज हुआ है, तो दिष्ट रेखाखंड PQ का आधार उस रेखा को कहते हैं जिसका PQ एक हिस्सा है। इसको यदि हम ऐसे दें, यहां पर P, यहां पर Q दें, या पूरा हिस्सा AB दें, तो ए बी जो है PQ के लिए क्या है, आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिष्ट रेखाखंड PQ का आधार उस रेखा को कहते हैं जिसका PQ एक खंड है। नेक्स्ट है अभिदिशा। अभिदिशा का मतलब हुआ दिशा से ही, जिस दिशा से जिस दिशा की तरफ प्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है। तो एक दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा इसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होता है, यानी दिष्ट रेखाखंड केवल इस चीज को दिखाता है इसकी जो अभिदशा है वह प्रारंभिक से
अंतिम के तरफ होगा, ठीक है। इस प्रकार PQ की अभिदिशा P से Q की ओर और QP की अभिदिशा Q से P की ओर है। नेक्स्ट है सदिश का मापांक या फिर परिणाम परिमाण मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। देखिए किसी सदिश के परिमाण के माप को किसी सदिश के परिमाण के माप को प्रकट करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। मतलब एक तरह से ये जैसे सदिश है P से Q तक, तो P से Q तक का लंबाई कितना है, कुछ तो संख्या होगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8, कुछ भी जो भी हो, तो यही जो एक धनात्मक संख्या उसका रिप्रेजेंट करेगा, उसके मापांक को रिप्रेजेंट करेगा, उसी का नाम है सदिश का मापांक। तो किसी सदिश के परिमाण के माप को प्रकट करने वाली धनात्मक संख्या को उस सदिश का मापांक कहते हैं। सदिश वेक्टर ए के मापांक को मॉड ए या सिर्फ ए, या देखिए मॉड में लिखे हैं तो उसके अंदर वेक्टर दिए हैं, मापांक को मॉड वेक्टर ए या फिर सिर्फ ए से सूचित किया जाता है। इस प्रकार मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए लिखा जा सकता है। जब आपको सवाल बताएंगे तो ये सब चीज हम लोग यूज करेंगे। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आज आपका इस चैप्टर का पहला क्लास था। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा बोरिंग लगा हो, तो इसमें कुछ विशेष करने का जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जो हम बता रहे हैं, और उसका एक नोट्स बना लीजिएगा। अभी सवाल का बारी नहीं आया है, सवाल का बारी आएगा तो यह चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा और सबको पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।